हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। परीक्षा नजदीक है और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ज्यादा मेहनत सक्सेस की गारंटी नहीं है, लेकिन सिस्टम से पढ़ना, योजना बनाकर पढ़ना 100% सक्सेस की गारंटी हो सकती है। और परीक्षा पूर्व आज हम उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे जिससे आपकी हिंदी विषय की प्रभावी ढंग से परीक्षा की तैयारी हो सके। वे कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको इन दो बातों में अंतर स्पष्ट करना है कि ईयर लॉन्ग जो आप अपना स्टडी प्लान बनाते हैं वो अलग होगा, और अब जबकि परीक्षा के कुछ दिन शेष रह गए हैं तो इन शेष दिनों में कम से कम समय में पूरे पाठ्यक्रम का आप रिवीजन कैसे करें, ये निर्धारित करें कि मुझे कितना याद है और मैं कितना भूल गया हूं, और जो भूली गई बातें हैं उन्हें आपको याद करने का यह सबसे अच्छा अवसर होगा। तो सबसे पहले परीक्षा में कितने दिन बचे हैं, यानी आपके पास तैयारी के लिए कितना समय है, और उन दिनों को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार डिवाइड कर ले, और यह होगा आपका शॉर्ट टर्म स्टडी प्लान। इसके पश्चात यह निर्धारित करें कि सेकंड टर्म का आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इस बार परीक्षा पद्धति में बदलाव हुआ है और आपके जो एग्जाम हैं वो दो टर्म में विभाजित हुए। फर्स्ट टर्म आप दे चुके हैं और फर्स्ट टर्म के लिए आपका पाठ्यक्रम पृथक था और सेकंड टर्म के लिए आपका पाठ्यक्रम अलग से निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि वे कौन कौन से लेसन हैं जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं किए गए। तत्पश्चात आप इस बात पर विचार करें कि प्रश्न पत्र कितने अंकों का होगा। आपको इस बात पर विचार करना है कि किस किस भाग से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात किस प्रश्न का अंक भार कितना है। प्रश्न पत्र में प्रश्न कितने होंगे, प्रश्न पत्र हल करने के लिए आपको समय कितना दिया गया है, आरोप पुस्तक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, आपकी जो दूसरी पुस्तक है वितान उससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और अभिव्यक्ति माध्यम से किस किस प्रकार के किस किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहले ये सब आपको निर्धारित कर लेना है क्योंकि ये सब आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। अतएव आपको प्रश्न पत्र हल करने के लिए 40 अंक निर्धारित किए गए, यानी आपका जो प्रश्न पत्र है वो 40 अंकों का होगा और प्रश्न पत्र की संख्या होगी आपकी 7, और प्रश्न पत्र हल करने के लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का। इसमें आपको आंतरिक विकल्प दिए गए होंगे और आंतरिक विकल्प का अर्थ होगा कि आपके सामने एक से अधिक ऑप्शन होंगे, यानी कि आपको वह प्रश्न चुनना है जिसका आप अधिकार पूर्वक उत्तर लिख सकते हो। आगे बात करते हैं कि आपका जो पूरा प्रश्न पत्र होगा वो किस क्रम में होगा। तो सबसे पहला प्रश्न होगा आपका रचनात्मक लेखन से, और आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे और 1 विकल्प आपको चुनना है, और विकल्प वो चुनना है जिसे आप अच्छे से लिख सकते हो, जिस पर आपका ज्यादा अधिकार हो। ये 5 अंकों का होगा। इसके लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, बस आपको वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, वह नेशनल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं। जैसे अभी 2 साल से हम COVID-19 से गुजर रहे हैं, इसकी त्रासदी को जो हमने देखा, अनुभव किया, हो सकता है कि इस पर आपको अपनी शब्दाभिव्यक्ति करनी पड़े। इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, महंगाई की बातें होती हैं, तो इस तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए, आपको अपने वैयक्तिक विचारों के अनुसार
शब्द अभिव्यक्ति देनी होती है और ये आपके व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर करता है। किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर उसके कंटेंट को ज्योंका त्यों लिखने का प्रयास नहीं करें, बल्कि अपनी खुद की सोच तैयार करें और उस सोच को शब्दों में अभिव्यक्त करने का अभ्यास ही आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकता है, बजाय किसी पाठ्य पुस्तक से रटने के। ये लगभग लगभग आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, और 200 शब्दों का मतलब होता है, 200 शब्दों का मतलब सिर्फ 200 शब्द नहीं है, हम ये मानकर चलें कि एक लाइन में हम 10 शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो 20 लाइनों में आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। वो 20 हो सकती हैं, 22 हो सकती हैं, 19 रह सकती हैं। 200 का मतलब आपको पूरे 200 गिनना नहीं है, हाँ इसके आसपास हो। दूसरा प्रश्न जो होगा आपका वो पत्र का होगा, और इसमें भी आपको 2 विकल्प दिए जाएंगे और एक विकल्प आपको चुनना, ये 5 अंकों का होगा। ये पत्र औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं, और पत्र के लिए आपको ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं होगा कि पूर्व कक्षाओं से हम ये अभ्यास करते आ रहे हैं, नवीन कुछ नहीं है। अतएव इस प्रश्न को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आपका जो तीसरा प्रश्न होगा वो कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया से संबंधित होगा, और इसकी जो प्रश्न है वो 2 भागों में बटे हुए होंगे, एक जो 3 अंक का होगा और दूसरा 2 अंकों का होगा, और दोनों ही प्रश्नों में आपको विकल्प अर्थात ऑप्शन दिए गए और आप वही ऑप्शन चुने जो आपको सुविधाजनक लगे। नाटक और कहानी की परिभाषा और इसके आवश्यक तत्वों की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, और एक बात और कि काव्य के प्रश्न से या गद्य के प्रश्न से आप उसके कंटेंट को समझकर अपने अनुसार प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं, लेकिन नाटक और कहानी सूचनात्मक प्रश्न हैं, अतएव इधर उधर की बातें जोड़कर आप अपना उत्तर तैयार करने की कोशिश नहीं करें, बल्कि जो इसका निर्धारित उत्तर है आप उसको अच्छे से तैयार करें, हो सके तो कंटस्थ कर लें। जो आपका चौथा प्रश्न होगा वो समाचार फीचर और आलेख से संबंधित होता, ये भी 2 भागों में बटा हुआ होगा, एक प्रश्न 3 अंक का होगा और दूसरा प्रश्न आपके 2 अंकों का होगा, और दोनों प्रश्नों में भी पूर्व की भांति आपको विकल्प की सुविधा होगी। दोनों प्रश्न वर्णनात्मक जानकारी के होंगे, याद रखें निर्धारित उत्तर ही लिखना है, इधर उधर की या अनित अनअपेक्षित बातें लिखकर आप अपने परीक्षक पर बुरा प्रभाव डालेंगे। अतएव आपको चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए कि यहां पर इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ उसी प्रश्न का उत्तर देना है जो आपसे परीक्षा में पूछा गया है। ये वर्णनात्मक प्रश्न है, इंफॉर्मेटिव है, सूचनात्मक है, अतएव आपको उस सूचना को उसी रूप में याद रखना है जिस रूप में यह वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तक निर्धारित की गई है आरओ, और आरओ में 2 भाग में बटा हुआ है, एक होगा आपका काव्य खंड और दूसरा है आपका गद्य खंड। टर्म फर्स्ट में आपके लिए अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था, इसी प्रकार से सेकंड टर्म में आपके लिए अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, और आरओ पुस्तक जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके प्रश्न पत्र में 5वां और 6ठे नंबर का प्रश्न होगा जो आपके आरओ से पूछे जाएंगे। 5वां प्रश्न आरओ पुस्तक के खंड काव्य से होगा, और इसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए होंगे और 3 प्रश्नों में से आपको सिर्फ 2 प्रश्न चुनने हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी 6 अंकों की भूमिका होगी। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको
50 से 60 शब्दों में लिखना होता है, और 50 से 60 शब्द का मतलब हुआ 5 से 6 लाइनों में, और शब्द सीमा का ध्यान रखना अपेक्षित है। शब्द सीमा में उत्तर देना आपकी काबिलियत, आपके कौशल को अभिव्यक्त करता है। यानी बड़ी बात को बड़े रूप में लिखना और छोटी बात को छोटे रूप में लिखना, ये छात्र की योग्यता का परिचायक है। अतएव आपको शब्द सीमा को अवॉइड नहीं करना है, उपेक्षित नहीं करना है। शब्द सीमा का विशेष 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 ध्यान रखा जाना चाहिए। बात करते हैं गद्य खंड से, और छठा प्रश्न होगा आपके गद्य खंड से, और इसमें आपको चार प्रश्न दिए गए होंगे, और चार प्रश्नों में से आपको केवल तीन प्रश्न करना है, और तीन प्रश्न वो चुने जिससे आप अच्छे से कर सकते हो, और प्रत्येक प्रश्न तीन तीन अंक के होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूर्व की भांति 50 से 60 शब्दों में अर्थात 5 से 6 लाइनों में देना होगा। आगे बात करें कि आरोप पुस्तक के काव्य खंड में कौन कौन सी वे कविताएं हैं जो निर्धारित हैं, और वे कौन कौन सी कविताएं हैं जो हटा दी गई हैं। तो सेकंड टर्म में शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा, ये आपके पाठ्यक्रम में है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी की कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और रामविलाप, ये आपके पाठ्यक्रम यानी सेकंड टर्म में सम्मिलित है। फिराक गोरखपुरी की गजल और रुबाइयां, ये भी आपके पाठ्यक्रम में यानी इस सत्र में सम्मिलित हैं। ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें वो ये कि रामधारी सिंह जी दिनकर की जो कविता है बादल राग, वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। अतएव इस कविता की तैयारी नहीं करें। इसी प्रकार से उमा शंकर जोशी की जो कविता है छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख, इन दोनों कविताओं को भी आपको परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, क्योंकि इस सत्र में इन दोनों कविताओं से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। आगे बात करते हैं गद्य खंड के वे पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, वे हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी पहलवान की ढोलक, और रजिया सज्जाद जही की कहानी नमक, और भीम राव अंबेडकर द्वारा रचित जाति प्रथा और श्रम विभाजन, ये तीन पाठ ही टर्म सेकंड में सम्मिलित हैं, और वे पाठ जो हटाए गए हैं सेकंड टर्म में वे होंगे विष्णु खरे द्वारा रचित चार्ली चेपलिन यानी हम सब, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित शीर्ष के फूल, ये दो पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। अतएव इन दोनों पाठों की परीक्षा के लिए तैयारी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं आपकी जो दूसरी पुस्तक है जिसे हम सप्लीमेंट बुक यानी अनुपूरक पुस्तक कहते हैं वितान, और ये सातवां प्रश्न होगा जो वितान से संबंधित होगा। इसमें तीन अंक का एक प्रश्न होगा और दो अंक का एक प्रश्न होगा, यानी कि दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और दोनों प्रश्नों में आपको विकल्प की सुविधा होगी यानी ऑप्शन दिया जाएगा। टर्म टू में सिर्फ दो पाठ ही सम्मिलित किए गए हैं, एक है आपका अतीत में दबे पांव और दूसरा डायरी के पन्ने एन फ्रेंक का जो पाठ है आपका, और पहले के दो पाठ यानी सिल्वर वेडिंग और जूज वो फर्स्ट टर्म में पूछ लिए गए हैं, इन्हें पुनः परीक्षा के लिए तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अब काव्य पाठों की तैयारी कैसे करें, यह आपका प्रश्न हो सकता है, ये आपके मन में शंका हो सकती है कि इनको मैं परीक्षा के लिए कैसे तैयार करूं। तो अच्छा होगा कि एक बार जो कविताएं उनके भावार्थ को आप हृदय गम कर लें, और तत्पश्चात
उस विषय वस्तु से संभावित कितने प्रश्न बन सकते हैं और उन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक बार पढ़ लें, और जब आप पढ़ चुके तो आप ये देखिएगा कि जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी एक सूची तैयार कर लीजिए। अब उत्तर नहीं, सिर्फ सूची तैयार करने के लिए कह रहा हूं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सिर्फ प्रश्न 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 की सूची बनाने से क्या होगा, तो ये आपको सहायता करेंगे। जब आप परीक्षा में जाने से पूर्व एक बार पूरे प्रश्न पत्र का अवलोकन कर रहे होंगे तो आप सिर्फ प्रश्नों को देखिए, अगर उस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात है तो भीतर से आपको एक सिग्नल मिल जाता है, और जैसे ही वो प्रश्न इस प्रकार का हुआ कि उस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात नहीं है तो आप उस पर क्रॉस लगा लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जब आप सारे प्रश्नों को देख लें तो जो जो प्रश्न आपने क्रॉस किए हैं यानी जिनका उत्तर देने में आपको परेशानी अनुभव हो रही थी, उन सारे प्रश्नों के उत्तर को एक बार फिर से भली भांति देख लीजिएगा। ध्यान रहे कि पूर्व परीक्षाओं में पद्य भाग से प्रश्न पूछने का तरीका अलग था, यानी कि आपको किसी कविता का एक काव्यांश यानी स्टिंजा दे दी जाती थी और नीचे दो दो अंक के तीन प्रश्न आपसे पूछे जाते थे, किंतु इस बार आपको काव्यांश देकर तीन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे बल्कि पूरी कविता की विषय वस्तु के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इस बार प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। तो आप इसी प्रकार से तैयारी करें, पूर्व परीक्षाओं की तरह नहीं। आगे अध्ययन की तैयारी कैसे करें, यह प्रश्न प्राय छात्र के मन में होता है, क्योंकि वर्ष पर्यंत हम हिंदी को इतना समय नहीं दे पाते, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मैथ्स इन सब का लोड इतना ज्यादा होता है कि इसी में समय गुजर जाता है, और परीक्षा से कुछ दिन पूर्व हिंदी के प्रति हम सावधान होते हैं, समय कम होता है, लेकिन समय भले ही कम हो किंतु सकारात्मक सोच के साथ हम हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल सकते हैं। बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति आपके मन में होनी चाहिए, यानी कम से कम समय में भी हिंदी में वैसे अंक लाए जा सकते हैं जैसे वर्ष पर्यंत पढ़कर अन्य विषयों में अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। बस आपको एक प्लान तैयार करना है, उसमें किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है, तो पहले देखें कि गद्य भाग के जो तीन पाठ हैं उन पाठों को एक बार रिपीटली पढ़ लीजिए। हाँ, अपने आप को परेशान नहीं करें, उसमें अगर कोई कठिन शब्द आ रहा है तो शब्द को लेकर परेशान ना हो, सिर्फ आपको पूरे पाठ का जो कंटेंट है अर्थात उसकी थीम क्या है ये पता होना पर्याप्त होगा। अधिकतम जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, तो जैसे हमने कविता में संभावित प्रश्नों की लिस्ट तैयार की थी उसी प्रकार से इन तीन पाठों से संभावित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं उनकी एक लिस्ट अर्थात सूची तैयार कर लीजिएगा, और पूर्व की भांति ही एक बार इन प्रश्नों को देखते चले जाएं, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको ज्ञात होंगे तो ये मानव स्वभाव है कि जैसे वो उस प्रश्न को पढ़ता है भीतर से अपने आप को वो एक पॉजिटिव अनुभव करता है, अपने आप को सहज अनुभव करता, लेकिन जैसे ही कोई प्रश्न कठिन हुआ वह अपने आप को परेशान अनुभव करने लगता है, और जो इस बात का साइन है कि इस प्रश्न का उत्तर लिखने में आप परेशानी अनुभव कर रहे हैं, आप इस समय इस प्रश्न को क्रॉस कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते चले जाएं। तो जिन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं उन्हें टिक मार कर लीजिए, जिन प्रश्नों का उत्तर देने में आप कठिनाई अनुभव करते हैं उसके क्रॉस करते चले जाएं, और फिर जब आपको अवसर मिले तो जो प्रश्न आपने क्रॉस किए थे या जिन प्रश्नों का उत्तर देने में आपको परेशानी आ रही थी उन प्रश्नों के उत्तर को एक बार फिर से देख लीजिए, और इस प्रकार से आप बार बार थोड़े थोड़े अंतराल में इस अभ्यास को कर सकते हैं। वही बात फिर ध्यान रखिएगा कि पिछले वर्ष तक
आपको परीक्षा में एक गद्यांश दे दिया जाता था और उसी गद्यांश से संबंधित दो दो अंक के प्रश्न पूछे जाते थे, किंतु इस वर्ष गद्यांश से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। पूरे पाठ की विषय वस्तु पर आधारित होंगे ये प्रश्न, अतएव संभावित प्रश्नों को कंठस्थ करने की आवश्यकता होगी। आगे बात करते हैं, अनुपूरक पुस्तक यानी कि आपकी पुस्तक है वितान, और वितान में आपके इस वर्ष दो ही पाठ पूछे जाएंगे, अतीत में दबे पांव ओम थान विग्रह और एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने। इन्हें अच्छे से पढ़ लें और इनके संभावित प्रश्नों को ध्यान से देख लें, और पिछली बार की तरह ही संभावित प्रश्नों की एक सूची तैयार कर लीजिए। हाँ, ध्यान रखें, सेकंड टर्म के लिए आपको फर्स्ट टर्म में दिए गए जो पहले दो पार्ट हैं यानी कि सिल्वर वेडिंग और जूज, ये आपको तैयार नहीं करने हैं। ये दोनों पार्ट फर्स्ट टर्म के लिए थे, और तीसरा और चौथा पार्ट यानी अतीत में दबे पांव और डायरी के पन्ने, ये दो पाठ ही सेकंड टर्म के लिए रखे गए हैं। आगे बात करते हैं कि आप किस प्रकार से अपने परीक्षक को प्रभावित कर सकते हैं अपनी आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका से, और यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको करना क्या है कि जब कभी आपको अवसर मिले कुछ प्रश्नों के उत्तर आप अपनी भाषा शैली में लिखने का प्रयास करें। इससे आपको अपने भावों या विचारों को शब्दों में अभिव्यक्त करने का अभ्यास होगा, और जब यह आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप परीक्षा भवन में आसानी से अपना उत्तर लिख सकेंगे। दूसरी बात यह, रिवीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार जब कभी आपको अवसर मिले इन प्रश्न उत्तर को दोहराते रहें यानी रिवीजन करते रहें, और पुराने प्रश्न पत्र को हल करने का अभ्यास करें। अब पुराने प्रश्न हल करते समय यह ध्यान रखें कि पिछले साल के प्रश्न पत्र में इस साल के प्रश्न पत्र में क्या अंतर है, और उस अंतर को ध्यान में रखकर ही आपको उन प्रश्न पत्र की तैयारी करनी है। यानी कि इस वर्ष जो आपको सैंपल पेपर दिया गया है उस सैंपल पेपर के अनुसार आप 2-3-4 जितना भी संभव हो सके इस प्रकार के प्रश्न पत्र को आप हल कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बात और कि सहायक पुस्तक में लिखे उत्तर रटने की अपेक्षा स्वयं की भाषा शैली में उत्तर देने का अभ्यास कीजिए। प्राय छात्र अपने आप पर विश्वास नहीं करते, उससे ज्यादा विश्वास बाजार में उपलब्ध जो रिफ्रेशर हैं या हेल्पिंग बुक हैं उसमें जो कंटेंट प्रिंट होता है उसका जो का त्यों रटने का प्रयास करता है। हिंदी कौन सा विषय है? लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में सिर्फ अपने भावों की अभिव्यक्ति करनी होती है शब्दों में, और ये कला ये स्किल आपको डेवलप करना चाहिए, किंतु समय कम है, अतएव आप इस पर ज्यादा समय तो खर्च नहीं करें, लेकिन प्रश्नों का उत्तर अपने ढंग से लिखने का अभ्यास करें, और ऐसा करने से आप अपने भीतर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता हुआ अनुभव करेंगे और आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। जहां तक रचनात्मक लेखन का विषय है, रचनात्मक लेखन के लिए जैसा कि मैंने पूर्व में भी संकेत दिया है, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। इस प्रश्न का उद्देश्य है कि जिस समाज में, जिस देश में, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं और जो कुछ हमारे आसपास घटित हो रहा है, हम उससे कितने प्रभावित हैं और उससे प्रभावित होकर हम अपने भावों या विचारों को शब्दों में किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं, यह छात्र का अपना कौशल हो सकता है। तो आपको अगर विषय वस्तु की जानकारी है तो आप उसे अच्छे से शब्दों में अभिव्यक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए जब कभी आपको अवसर मिले थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास कर लेना,
इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। विगत प्रश्नों के परीक्षा प्रश्न हल कर आप अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं, यानी कि आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हल कर लें। उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा भाग मेरा स्ट्रोंग है और कौन कौन सा वह भाग है जिस पर अभी भी मेहनत करने की आवश्यकता है या फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, यानी कि आत्म मूल्यांकन आवश्यक है और उन कमजोर पक्षों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है जो पहले से अच्छे हैं या जिनका जिनके प्रति आपके मन में विश्वास है, उनको ज्यादा समय ना देकर उन प्रश्न पर या उस प्रकरण पर ज्यादा ध्यान दे जिसके बारे में आप संदिग्ध है या डाउट करते हैं, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लें। और मॉक टेस्ट से आपको एक लाभ ये हो सकता है कि जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देंगे, पूरा प्रश्न पत्र का डिजाइन आपकी आंखों के सामने आ जाएगा और आप आत्मविश्वास से प्रश्न पत्र हल कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें होती हैं जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में हमारी सहायता करती हैं, उनमें सुंदर हस्तलेख। प्राय कुछ छात्र इस विषय में बात करते हैं कि सर मेरा हस्तलेख कितना सुंदर नहीं है, हस्तलेख सुंदर बनाने के लिए क्या करूं। अब हमारे पास कितना समय बचा है, 15 दिन 20 दिन 30 दिन, क्या 10-12 वर्षों की इस कमी को हम 15-20 दिन में दूर कर सकते हैं। अतएव इस प्रश्न पर अब आपको विचार नहीं करना है। हाँ, इतना जरूर करना है कि जैसा भी आप लिख रहे हैं बस वो सुपाठ्य हो और दो शब्दों के बीच में पर्याप्त गैप रखें और हर शब्द के साथ शिरोरेखा, यानी कि जिसको हम माथा बांधना कहते हैं, वो करें। तो अगर आप सुपाठ्य लिख रहे हैं, शब्दों के बीच में पर्याप्त गैप रख रहे हैं, तो भी पर्याप्त होगा। अब आपको अपनी हस्तलेख को सुंदर बनाने पर समय खर्च नहीं करना, और अगर सुंदर हस्तलेख है तो सोने पे सुहागा। कुछ छात्र इस बात पर डाउट करते हैं, इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं कि सर हमसे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है। फिर वही बात कि स्पेलिंग मिस्टेक के लिए कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको आप एक दो रात में पढ़कर ठीक कर सकें, ये लंबा प्रोसेस है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उस समय आपको जो शब्द नवीन जान पड़े, जो आपने पहली बार देखा हो, जिसका प्रयोग हमें अपने उत्तर में करना हो, तो इस तरह के जो शब्द हैं उनको अंडरलाइन कर लें और ध्यान से देख लें कि इसमें मात्राएं कहां कहां और किस तरह से लगे, और फिर आप भी उन मात्राओं को उसी रूप में लगाने का प्रयास करें। तो हो सकता है कि 100% ना सही, लेकिन बहुत सारी अशुद्धियां होने से आप बच जाएंगे। फिर बात करते हैं कि प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई होती है। तो शब्द सीमा का मतलब यह नहीं होता कि अगर 50 से 60 दिए हैं तो आपको 60 शब्द ही लिखने, ऐसा नहीं है। अगर वो 70 भी हो जाते हैं तो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो। अगर आप 2-3 लाइनों में उत्तर खत्म कर देते हैं, यह गलत होगा, यानी कि आपका उत्तर 5-6 लाइनों के लगभग हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यानी शब्द सीमा का भी अपना महत्व है। अगर आप अनावश्यक लिखेंगे तो आपका समय ज्यादा खर्च होगा, और अगर समय ज्यादा खर्च होगा तो आपको आगे के प्रश्न का उत्तर देने में समय कम मिलेगा। अतएव जो शब्द सीमा दी गई है उसका विशेष ध्यान रखें, तो आप कम समय में अपने अध्यापक जी पर अच्छा प्रभाव डाल सकेंगे। दूसरा, अपने आप पर संदेह ना करें। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, चाहे आपको लगता हो कि मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार हम कुछ पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं या देख लेते हैं, वो हमारी स्मृति में कहीं ना कहीं अंकित हो जाता है, और जब कभी उससे संबंधित प्रसंग आता है तो वे सारी बातें में हमारी मेमोरी में स्पष्ट होने लगती है। 100% नहीं तो उसका कुछ भाग हमें याद आने लगता है, और जो भाग आपको याद आया उसके आधार पर आप अपना उत्तर डेवलप कर सकते हैं। अतएव
ये नहीं माने कि मैंने इतना पढ़ लिया है मुझे याद तो कुछ है नहीं, आपको याद है, बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। कुछ सावधानी आपको बरतनी है, परीक्षा का समय है, समय महत्वपूर्ण है, और इस समय कुछ सामान्य गलती जो आपको नहीं करनी है, आपको अन्य अध्यापक जी ने भी बताया होगा, पेरेंट्स भी प्राय इस बात के लिए आपको सावधान करते हैं, और मैं भी उन्हीं बातों को एक बार दोहरा दूं ताकि आपको पूर्व में कहे गए अपने अध्यापक जी की बात स्मरण आए, पापा मम्मी की बात स्मरण आए, वो ये कि इन दिनों आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी है। ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, अभी कुछ दिन के लिए इन्हें भूल जाइए। दूसरी बात ये कि आपके पास पांच विषय होते हैं, पांच विषयों की पांच पुस्तकें, और पांच पुस्तकों के अतिरिक्त सहायक पुस्तकें, यानी आपके पास बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो जिन्हें अव्यवस्थित इधर उधर हो जाने पर जब जिस पुस्तक के हमें आवश्यकता पड़ती है वो हमें मिलती नहीं है। अतएव जो जो परीक्षा सामग्री आपको परीक्षा में काम आनी है उनको व्यवस्थित ढंग से रख लें ताकि अवसर आने पर वो आसानी से आपको मिल जाए और आप परेशान नहीं हो। कितनी बार ऐसा होता है कि वह पुस्तक या नोट्स नहीं मिलने पर दिमाग खराब हो जाता है और उस दिमाग खराब होने का परिणाम उसका प्रभाव पढ़ाई पर पड़ता है। अगर आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप तैयारी कर सकेंगे। तो जो जो पाठ्य सामग्री है उन्हें व्यवस्थित रख लें ताकि अवसर मिलने पर उन्हें आप सहजता से इस्तेमाल कर सकें। इसके अतिरिक्त खानपान, नींद और स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है। इसका अर्थ यह है कि इस समय आपका स्वस्थ रहना अधिक आवश्यक है, अतः इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वह खानपान जो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है, इस प्रकार के खानपान से या ज्यादा पढ़कर, यह शरीर है और शरीर के लिए नींद उतनी ही आवश्यक है, पर्याप्त नींद लें। तो इस तरह से हम अपने खानपान पर, अपनी नींद पर, अपने स्वास्थ्य में बैलेंस करके चलें, यानी कि आप प्रसन्न रहेंगे तो प्रसन्नता पूर्वक तैयारी कर सकेंगे। हिंदी विषय के लिए आप बाजार में वैसे तो कई प्रकाशकों की कई कई सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन आप जितनी ज्यादा पुस्तकें कर देंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। हिंदी में सिर्फ आप एक या दो प्रकाशन की सहायक पुस्तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हर पुस्तक में आपको थोड़ा थोड़ा विरेशन मिलेगा, यानी कि भिन्नता मिलेगी, और जहां भिन्नता मिली आपका दिमाग खराब, इसे सही मानो या इसे सही मानो, आपको सिर्फ कंटेंट तैयार करना है, विषय वस्तु तैयार करनी है, उत्तर स्वतः होते चले जाते हैं, अतएव आपको अधिक पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अन्य विषयों के साथ साथ आपको हिंदी का भी थोड़ा सा सम्मान करना आना चाहिए। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, खूब अच्छे से अपनी केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, बायो पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, अच्छा है, क्योंकि इसी से आपका करियर बनना है, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपके पांच सब्जेक्ट में एक विषय हिंदी भी है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह घोषित नहीं किया है कि हिंदी में फेल हो जाने पर या कम अंक हो जाने पर आपके साथ दया दिखाई जाएगी, नहीं, परीक्षा परीक्षा है, अतएव अगर प्रारंभ में नहीं तो जब जो बचा हुआ समय है इसमें तो आप थोड़ा सा समय हिंदी के लिए भी निर्धारित कर लीजिए। हाँ, हो सकता है केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मैथ्स की तुलना में कम हो, चाहे वो आधा घंटा हो चाहे एक घंटा हो, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित कर लीजिएगा, लेकिन नियमित रखिए। अगर आप आधा घंटा प्रतिदिन दे रहे हैं तो इस आधे घंटे को नियमित रखें। इस समय हिंदी को भी आपको भूलना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा आवश्यक न हो तो आप अपनी स्टडी में कोई बदलाव नहीं करें, यानी कि गैप नहीं दें,
गैप आने से जो आपका उत्साह था, जिस गति से आप पढ़ रहे थे, वो कम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को भी आप नजरअंदाज नहीं करें बल्कि इनका ध्यान रखें। बोर्ड से संबंधित अन्य जो सूचनाएं हैं, आप एलन की वेबसाइट पर जाकर ये सब देख सकते हैं, और इसके अतिरिक्त आप वहां से अपने आप को रजिस्टर्ड करके बोर्ड से संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जो संभावित गतिविधियां हो सकती हैं, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जा सकता है, इस पर हमने अच्छे से बात की है। और सेकंड टर्म में आपके पास लेसन ज्यादा नहीं है, अभी भी हम हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकते हैं, और बस थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है, और थोड़ी सी अपनी सोच को सकारात्मक होने की आवश्यकता है। आशा है ये सूचनाएं आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएंगे, अतएव इन बातों को गंभीरता से लेने का प्रयास करें। धन्यवाद। अब एलन के साथ तैयारी सक्सेस की।